तरह से परिवार नियोजन कार्यक्रम में जबरदस्ती की गई, उसने भारत के जनमानस को कांग्रेस पार्टी से बहुत बहुत दूर कर दिया। कुमकुम चड्ढा हिंदुस्तान टाइम्स की वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने संजय गांधी को बहुत करीब से कवर किया। किस तरह से उन्होंने कहा लोगों को, अपने जो लोगों को कैरी आउट करने में, आई डोंट नो, बट एक टारगेट ओरिएंटेड वो था कि ये टारगेट मीट करने चले। एंड व्हेन दे वर मीटिंग दोस टारगेट, सब वो फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स थे, तो सब लोग यू नो दे वांटेड टू जस्ट प्रूव इट, दैट वाज वन। बट ऑन द अदर हैंड, संजय के पास कोई जा तक ये नहीं कह सकता था कि ये नहीं हुआ। देयर इज केयर इन द वेज ऑफ फियर आई टू थिंक। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि संजय हैड नो पेशेंस, तो उनकी डेडलाइन हमेशा यस्टरडे थी, तो इसलिए अगर टारगेट मीट करने से, नंबर्स दिखाने से, तो लोगों को या जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे उनको बहुत जल्दी नहीं करता था, और वो जल्दी एक जल्दबाजी में बदल गई विद द रिजल्ट दैट इज वेरी हॉरिबली रॉन्ग। और अगर संजय को ये लगा होता कि ये गलत हुआ है, या क्योंकि उसने सेंसरशिप, कोई वहां जाकर हिम्मत नहीं करता था कि जाकर बता सकता कि आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक संजीव आई डोंट थिंक ही वाज़ द काइंड ऑफ लिसनिंग, एंड आई डोंट थिंक मोर इम्पोर्टेंटली दैट देयर वर मेनी पीपल हु वुड इवन डेयर टू गेट। संजय गांधी पर सबसे गंभीर आरोप था इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश देना, कड़ाई से सेंसरशिप लागू करना और सरकार के कामकाज में बिना किसी आदि